देखो, मैं हूँ रिता सैफी। नाजीन, एक तरफ तो हम ये देखते हैं कि पंजाब के अंदर बिला मुकाबला ही 5 उम्मीदवार सेनेट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के विन कर जाते हैं और 5 ही मुस्लिम लीग नून सीटें ले जाती है। तो दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सेनेट इंतखाबात से मुतालिक डायरेक्टिव्स दी हैं वो भी हमारे सामने हैं। इलेक्शन कमीशन के ऊपर मामला छोड़ दिया। हुकूमत कह रही है ये फैसला हमारे हक में आया है, ऑपोजिशन कह रही है कि ये फैसला हमारे हक में आया है। जिसकी जितनी राय सुनी वो राय देख के यही लग रहा है कि फैसला उनके हक में आया है, लेकिन आया फैसला किसके हक में है ये इलेक्शन कमीशन ने आज फैसला करना है। ये इलेक्शन कमीशन के अब उसके दायरे इख्तियार में है कि या वो तो कोई इस तरह की निशानी रखे, कोई इस तरह की तजवीज पेश करे कि जी बैलेट पेपर के ऊपर ये पता चल सके कि आयकार जो वोट डालने वाला है वो कौन है और उसने अब किस मेंबर को वोट डाला है, या फिर सीक्रेट बैलेट के तहत ही और सीक्रेसी के साथ इस बात की यकीन दहानी कराई जाएगी इस सेनेट इंतखाबात में कि जिसने भी वोट डाला है उसका ना पता चले, किसको वोट डाला है ये भी मालूम ना चल सके। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि अगर चूंकि इस वक्त हम ये देख रहे हैं सेनेट के अंदर सबसे ज्यादा जो नंबर गेम बनने जा रहे हैं आदाद शुमार के मुताबिक वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के होंगे और ये तारीख में पहली मरतबा होगा कि इतने सारे सेनेटर्स जो है वो मुंतखब होंगे। लेकिन क्या आया वाकई ऐसा होगा? एक तरफ ऑपोजिशन को उम्मीद है अपनी जीत के लिए तो दूसरी तरफ हुकूमत ये कह रही है कि हमारे अरकान कहीं नहीं जा रहे। लेकिन एक के बाद एक बैड न्यूज़ हमें कल से जो मौसूल हो रही है, कहीं से MPAs नाराज, कहीं से MNAs की गूंज। सो आखिरकार इस सब का क्या नतीजा निकलेगा इस पर बात करूंगी आज। और बड़ी ही जबरदस्त किस्म की शख्सियत मेरे साथ हुकूमत की तरह से और खास तौर पे उनके साथ जब हमने पहले भी इंटरव्यू किया था तो उसके बाद जो हुकूमती मंशूर था जुनूबी पंजाब वाला मामला उसके ऊपर फौरन से एक्शन होने की बात हुई थी, लेकिन वो भी फिर ठंडी हो गई सारी बात। और आज जो हम गुफ्तगू करेंगे इससे क्या निकलता है ये भी आपके सामने होगा। मेरे साथ नरहुद्दीन गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब इस वक्त मौजूद हैं। थैंक यू सो वेरी मच सरवर साहब फॉर गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम। टाइम ऐसा है, एक तो खास तौर पर इस वक्त यकीनी तौर पर आपकी बहुत मसरूफियत भी है, कल वजीर आजम साहब से आपकी मुलाकात भी हुई है। हम ये देखते रहे कि वजीर आजम साहब और खासतौर पर हुकूमत का ये मंजूर भी रहा कि जी उन्होंने ये कहा कि हम ऑपोजिशन से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, NRO नहीं देंगे। तो फिर ये पंजाब में क्या हो गया अचानक? देखो, पहली बात तो ये है NRO और मुज़ाकरात में फर्क है। मुज़ाकरात तो पार्टियों के दरमियान होते रहते हैं, होने चाहिए। जम्हूरियत में अगर अपोजिशन और हुकूमत के मुज़ाकरात नहीं होंगे तो फिर घड़ी कैसे आगे चलेगी? तो NRO एक और इशू है। तो मुज़ाकरात की आफर तो मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ की तरफ से ओपन है। हमने पंजाब में अपनी जो फेयरनेस है उसको अडाप्ट किया, इसलिए कि जो इदादो शुमार थे वहाँ पर मेंबर्स के, हमारे पास जो नंबर थे वो 4 लोगों के थे और नून के पास जो नंबर थे 3 लोगों। अगर हम ये कोशिश करते हम और इत्तेहादी के नहीं, हम 4 की बजाय 5 लेना चाहते हैं तो जाहिर है मसला हल नहीं हो सकता। तो हमारा ये फैसला था, मुत्तफिका फैसला था कि हमने हॉर्स ट्रेडिंग में नहीं जाना, हमने हुकूमती वसाइल जो है उसको अपोजिशन के मेंबरों को इस जीतने के लिए, उनका वोट लेने के लिए इस्तेमाल नहीं करना। तो इसलिए गुड स्पिरिट में हमने अपने नंबर ठीक दिए। नून को भी मालूम था कि हमारे 3 लोग जीतेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक बैलेंस वहां पर हो गया है कि 5 सीटें जो हैं वो मुस्लिम लीग नून ने जीत ली हैं, 5 सीटें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली हैं और 1 सीट जो है क्योंकि उनके नंबर जो थे काफ के नंबर 10 थे, उनको 47 नंबर चाहिए, तो वो नंबर तहरीक इंसाफ ने पूरे करने थे। तो हमारी और इत्तेहादियों की 4 सीटें हो गई और 3 सीटें जो हैं वो नून को मिल गई और इसके अलावा जो टेक्नोक्रेट की सीट है या रोम की है वो भी 2 सीटें नून को मिल गई, 2 हमें मिल गई। तो हमारा जो नंबर है वो 6 इत्तेहादियों को हो गया और 5 हो गया। तो यहाँ का जो यहाँ तक मसला है आपका वफाक में, तो यहाँ पर भी हमारे नंबर ज्यादा हैं। इंसाफ का तकाजा तो यही है कि हमारे नंबर ज्यादा हैं और
हमें वो सीट जो है वो मिलनी चाहिए, तो बाकी फैसला जो है वो कल होगा। ये मफाहमत आवाम पूछते हैं और लोग ऑपोजिशन भी से भी लोग सवाल अब यही कर रहे हैं कि मरियम साहिबा भी एक तरफ बड़ी रिजिड थी और वजीर आजम भी थे, जो आप मुज़ाकरात की भी बात करें, हम देख रहे हैं बहुत सारे मामलों में रिसेंट टाइम्स में डेवलपमेंट हुई नहीं, डेडलॉक रहा, ऑर्डिनेंस लाने पड़े, तो ये मफाहमत अचानक से, इसके पीछे हाथ किसका था, किसने करवाया? कहते हैं कि स्पीकर साहब का हाथ बहुत है पंजाब में, उन्होंने सारी चीजें मैनेज करा कर दी है, क्या ऐसे ही है? बिल्कुल, इसमें स्पीकर साहब का भी रोल है, इसमें हुकूमत हमारी का भी, चीफ मिनिस्टर साहब का और मेरा भी रोल है, इसमें अपोजिशन का भी रोल है, देखिए चीजें, इसमें पीपल्स पार्टी का भी रोल है, क्योंकि उन्होंने अपना कैंडिडेट वहां पे विड्रॉ किया, अगर वो विड्रॉ ना करते तो इलेक्शन होने थे, तो उसमें मैं समझता हूँ कि जो दूसरे कैंडिडेट, कई दफा ऐसा भी होता है कि कोई कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाता है, लकीली कोई ऐसा कैंडिडेट वहां पर नहीं था जो कहता कि नहीं भाई इलेक्शन होने चाहिए, और हमारे भी 5 कैंडिडेट थे जिनको विड्रॉ करना पड़ा, उनकी मेहरबानी है, मुझे तो डर था शायद हमारे कहने पे वो विड्रॉ भी करेंगे नहीं, कई दफा लोग जो हैं नहीं मानते, पार्टी की बात नहीं मानते, तो अल्लाह का शुक्र है कौन सब ने हमारी रिक्वेस्ट जो है वो क्या इसके बदले कोई सेटलमेंट है क्या? ऐसा तो नहीं कि इस्लामाबाद में जो कोई इस्लामाबाद से उसका लिंक नहीं है, इस्लामाबाद का इलेक्शन बिल्कुल अलग है, वो वहां पर, यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं सकता, देखें 2 कैंडिडेट, एक हमारी फौजी अरशद इलेक्शन लड़ी है, दूसरा अब्दुल हफीज शेख लड़ रहे हैं, उनके भी 2 कैंडिडेट हैं, 2 इधर हैं, तो इसमें क्या फॉर्म तकीम हो सकती है, ये तो 1-on-1 मुकाबला है। अच्छा, लेकिन चूंकि अब हम देख रहे हैं, अच्छा हम इस पर भी बात करते हैं, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि अब जो बाकी पंजाब से हम सारे जो पीटीआई के पार्टी अरकीन है, क्या वो पार्टी पॉलिसी के मुताबिक ही या फिर अपने जमीर के दबाव के बगैर ही वोट देंगे, क्या लगता है अभी आपको मजीद जो अभी जिन सीट्स पे वोट रह गए हैं पंजाब से? देखें हमारे अब तो एमपीएस ने तो वोट देना नहीं है, वो तो बिला मुकाबला हमारे उम्मीदवार जो है वो जीत गए हैं, नून के भी जीत गए हैं, मैंने तो तमाम खुले दिल से तमाम सेनेटर्स को, नून के सेनेटर्स को, पीजीआई के सेनेटर्स को, काफ के सेनेटर्स को मुबारकबाद भी दी है और वेल विशेस की हैं कि वो जाके मुल्क और कौम के लिए एक अपना जो है और पंजाब के इंटरेस्ट में जो भी होगा वहाँ पर वो फैसले करेंगे और अपनी जो कंट्रीब्यूशन है वो जमहूरियत को स्ट्रेंथन करने के लिए, इस मुल्क के जो बेसिक इशूज़ हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई है, इन इश्यूज पे फोकस करेंगे, क्योंकि असल तो मकसद तो यह है कि डिलीवरी हम लोगों को क्या करते हैं, पॉलिटिक्स में आने का मतलब तो इसीलिए है कि आप लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है बेहतर करना चाहते हैं, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाना चाहते हैं, लोगों के मसाइल जो हैं गंभीर मसाइल पाकिस्तान में हैं उनको हल करना चाहते हैं, तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह वो पॉजिटिव अपना करदार जो है अदा करेगा। तो जहाँ तक हमारे MNAs का ताल्लुक है तो उनसे मुलाकातें होंगी, देखें हर पार्टी में जब बजट आता है और जब ये इलेक्शन होते हैं तो उस वक्त जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है ना उनकी सुनवाई होती है, जिस तरीके से अब अब्दुल हफीज का और फौजी अरशद का और यूसुफ गिलानी का इनका इलेक्टोरल कॉलेज MNAs हैं, तो MNAs को से गुफ्तगू भी हो रही है, उनको लॉबी भी किया जा रहा है, और इसी तरीके से जब ये MNA MPAs लोगों के पास जाते हैं तो उस वक्त भी फिर ग्रीवियंस लोगों को पता चलते हैं कि भाई क्यों वो वोट क्यों नहीं दे रहा है, किसी का काम नहीं हुआ, और ये बात सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया की पूरी जमहूरियत में है। उधर हम जब इलेक्शन कंपेन करते हैं UK में, चाहे वो हमारी वहाँ पर मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ते हैं, चाहे काउंसिल का लड़ते हैं, तो जब 3-4 साल के बाद वोट मांगने जाते हैं तो वो कहते हैं भाई तुम्हारे पास आए थे काम, उस वक्त तो बात नहीं सुनी आपने, अब आप हमारे घर वोट मांगने आ गए, तो ये एक अच्छा है, दिस इज अकाउंटेबिलिटी, इसको अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। तो हम भी जब अपने MNAs को मीटिंग कर रहे हैं वो हमें बता रहे हैं कि गवर्नर साहब आपको फलां काम कहाँ था वो तो आपने किया नहीं, ब्यूरोक्रेसी को कहो कि वो वोट डालते तो ये जेनुअन उनके ग्रीवेंसेस होते हैं, लेकिन यहाँ तक ये तल्लक है कि रिबेलियन का तल्लक या हम वोट नहीं देंगे, कम से कम किसी एक भी मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली ने ये नहीं कहा, पंजाब से कह रहे हैं, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, तो वरना यहाँ से तो कह चुके कराची से आमिर लिया जी, वो मैं कहता हूँ, देखिए जिस बात का मुझे इल्म नहीं है, मुझे कराची की सियासत नहीं आती,
कराची वाले बड़े लोग हैं और उनकी सियासत मुझे नहीं आती, केपी की सियासत से मैं इतना बाखबर नहीं हूँ, बलूचिस्तान की सियासत से नहीं बाखबर हूँ, लेकिन जहाँ तक पंजाब का तल्लक है, पंजाब में कोई डिसेंटिंग वॉइसेस नहीं है, बल्कि जो सख्त नाराज है उन्होंने कहा कि वो वोट जो है वो पार्टी की अमानत है, हम वोट देंगे लेकिन हम नाराज हैं, हम खुश नहीं। तो ये एक मैं समझता हूँ तो बड़ा अच्छा। तो जो लोग जनूबी पंजाब से, आपको नहीं लगता कि वो नाराज है? नहीं, मैं यू कहते तो बात मान ली कि नाराज भी हैं, लोगों को रिजर्वेशन भी हैं, लोगों को ग्रीवियंस भी हैं, लेकिन वो कहते हैं कि पार्टी के टिकट पे हम इलेक्शन जीते थे, वोट हम देंगे, किसी ने नहीं कहा कि हम वोट नहीं। और दूसरी मैं आपके एक बड़ी दिलचस्प बात जो मैंने पिछले 5-7 दिनों में देखी है, बहुत से लोग तो एमएनए हमारे ये भी कहते हैं कि आप ग्रीवियंस का वक्त नहीं है, वक्त हमें दें, प्राइम मिनिस्टर को भी यही कहा, चीफ मिनिस्टर को भी यही कहा, मुझे भी कहा वक्त दें आप 3 के बाद, ताकि आप ये ना समझे कि हम आपको वोट की जरूरत है। तो देखो बड़े कॉन्शियस लोग होते हैं, बड़े जमीर वाले लोग होते हैं। अगर ऐसी बात है तो ये बड़ी जबरदस्त बात है। मैं तो बड़ा खुश हुआ हूँ, मैं बहुत से एमएनए से मिला, उन्होंने कहा जी नहीं हमने गुस्सा भी नहीं दिखाना, हमने नाराजगी भी नहीं दिखानी, हमने वोट के मौके पे अपनी डिमांड भी नहीं करनी, हम हमें बाद में वक्त दे दें 3 के बाद। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसी पे ये बड़ी अच्छी चीजें मैं समझता हूँ कि सक्सेस हुई हैं ड्यूरिंग दिस कैंपेन। नहीं, अगर आप ये क्लेम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ऐसी कोई बात होगी, डेफिनेटली बात है, बट ये बात बड़ी जबरदस्त है कि अगर इस तरह से लोग कह रहे हैं और वो बड़े और उम्मीद है। वेल, मैं यहाँ एक ब्रेक की तरफ जाती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के साथ हम मौजूद हैं और उनसे गुफ्तगू हो रही है, और बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू इस वक्त चल रही है, क्योंकि जब वो बात करते हैं तो वो बड़ी, हमेशा मैं कहती हूँ कि दिल से बात करते हैं, और ये नहीं सोचते कि इसके बाद वज़ीर आज़म साहब ने उनको क्या कहना है क्या नहीं कहना। सरवर साहब मुझे बताएं, ये आप मुझे ट्रबल में करेंगे पक्की बात। ये बताएं, नहीं मुझे पता है कि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और सारी बात कर जाते हैं, और जाहिर सी बात है आपने एक वक्त बाहर भी गुजारा है, वहाँ भी सियासत की है, और आपको आइडिया है कि सियासत का जो तर्ज सियासत है उसको किस तरह से करना चाहिए। जो कल्चर में मैं अक्सर लोगों को ये बात कहता हूँ कि जो हमारे पाकिस्तानी भाई पिछले 30-40 साल से बरतानिया में सेटल है, वो भी आपको वोट नहीं देते अगर आप उनकी खुशी में न जाएं, उनकी गमी में न जाएं, और उनके जो काम हैं अगर आप वो ना करें। उसके मुकाबले में मैं पैलेस्टाइन का झंडा उठाए फिरता हूँ, दिन रात मेहनत की, कश्मीर के लिए मेहनत करता हूँ, लेकिन मैं अक्सर लोग कहता हूँ कि उसका कोई वोट नहीं। वोट लोगों ने देना है पर्सनल टेक नेटवर्क पे, पर्सनल तलकात पे। उसके मुकाबले में जो अंग्रेज है उसने पर्सनल वोट नहीं दिया, उसका काम हुआ नहीं हुआ वो आएगा मेरे पास, मैं खत लिखूंगा, कोशिश करूंगा, एंड दे विल कम बैक टू मी मोहम्मद, थैंक यू वेरी मच, इट डिडंट हैपन बट एट लीस्ट यू ट्राई। So this is the difference between our two cultures. Right. तो ये हमें उसके मुताबिक पाकिस्तान के environment के मुताबिक सियासत करनी, लेकिन ये भी होगा वहाँ पर नजरिए पे लोग वोट देते हैं, लेफ्ट कौन है, राइट की पॉलिटिक्स फेस किया है, इंटरनेशनल इश्यूज के उनका जो कैंडिडेट खड़ा है उसका क्या स्टैंड है, उनकी हेल्थ की क्या पॉलिसी है, उनकी एजुकेशन की क्या पॉलिसी है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो ऑल टुगेदर मैटर करती हैं। चलें हम अब बात करते हैं मजीद आगे सेनेट के ऊपर भी। अच्छा ये बता दें, इस वक्त हमने देखा कि जब से सेनेट इलेक्शंस का के अनाउंसमेंट हुई है और ये माहौल जब से सजा है, उसके बाद हम ये देख रहे हैं जहांगीर तरीन साहब का भी जिक्र बहुत आया है और साफ अल्फाजों में आ रहा है, और जहांगीर तरीन साहब की एक तरफ कहा जाता है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से रिश्तेदारी है, तो दूसरी तरफ हफीज़ शेख हैं। So, क्या लगता है जहांगीर तरीन साहब किसके साथ हैं इस वक्त? देखिए मैं आपको बताऊं, मेरा ख्याल है कि जितने मेरे तलकात हैं यूसुफ गिलानी से, उनके फादर इन लॉ मेरे बहुत दोस्त थे, यूसुफ गिलानी उनकी फैमिली से हमारे तलकात हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में कई दफा होता है कि आपने अपने असूलों पे खड़ा होना होता है। मेरा तल्लक पीटीआई से है, उनका तल्लक पीपल्स पार्टी से है, उन्होंने भी लॉबी करनी है, लॉबी करनी है, और जहाँ तक जहांगीर तरीन का तल्लक है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो तो यही है कि वो
पीटीआई के कैंडिडेट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। लोग ये कहते हैं आपकी अपनी पार्टी के ही, जैसे ये आमिर लियाकत साहब ने इल्ज़ाम लगाया और भी बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं और दबे अल्फाजों में कहीं कहीं ओपनली मीडिया पे सब कुछ आया होता रहा कि हफीज शेख साहब जो है वो पार्टी के कैंडिडेट नहीं है, वो पीटीआई के कैंडिडेट नहीं है, उनको क्यों वोट दें हम, लोगों में ये इख्तलाफात है, लोगों में ये बेचैनी है, ये सवाल है, नजरियाती किसी बंदे को क्यों नहीं इस्लामाबाद से टिकट दिया। बात यह है कि हफीज शेख की तो कोई डिमांड सेंटर बनने की नहीं थी, ना उसने की, लेकिन वो तो एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ गई जिसके तहत जो एडवाइज़र हैं वो मीटिंग को चेयर नहीं करते, जिससे उनके काम में जो है जो ड्राइवर उन्होंने करना है उसके रास्ते में रुकावट। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मजबूरी के साथ उनको जो है वो सेनेट में लाया जा रहा, उनकी कोई डिमांड नहीं थी। अब सवाल ये होता है कि आया क्या एज ए वजीर खजाना ही इज परफॉर्मिंग वेल। असल बात तो ये देखनी है, अगर उनकी परफॉर्मेंस जो है उससे प्राइम मिनिस्टर मुतमिन ना होते या हम लोग मुतमिन ना होते या पार्टी मुतमिन ना होती तो फिर वाकई मुश्किलात हो सकती थी। लेकिन असल बात यह है कि हमारी पार्टी के एमएनएस जो हैं इस बात पे तो किसी को नहीं उस पर क्रिटिसिज्म के वो अपना जॉब नहीं कर रहे, वो अपना जॉब कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि पार्टी के लोग हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा चले, एक तरफ तो ये हफीज शेख साहब का आपने बता दिया कि जी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग और ये सारे बात, दूसरी तरफ लोग ये भी पूछ रहे हैं फैसलवाड़ा के मामले पे भी नाराज हैं, वहाँ सिंध के अंदर सारे लोग और वो विवांग दहल ऐलान कर रहे हैं कि नहीं हम नहीं देंगे इनको और ये इस तरह से, उनकी वजह से भी लोग इसलिए नाराज हैं क्योंकि वो ऑलरेडी वफाकी वजीर हैं, उनकी उनको भी सेनेट में ले आया गया, तो वजीर ऑलरेडी थे उनके पास, यानी कि मिनिस्ट्री दी हुई है, एक अहम मिनिस्ट्री उनके उनको दी हुई है, सो फिर उसके बाद उनकी उनको लाने की टिकट क्या वजह बनी सेनेट। कई दफा पार्टी के अंदर इश्यूज होते हैं, मजबूरियां भी होती हैं, जिसमें जो पार्टी के लॉयलिस्ट हैं जो इमरान खान के साथ पिछले डेकेड से खड़े हैं उनको अबलाइज भी करना होता है। तो हमारी जो कमेटी बनाई थी प्राइम मिनिस्टर ने 11 लोगों की, जो कि सेनेट के टिकट्स जो है उनको ओवरसी करेगी, उस कमेटी का मैं भी मेंबर। तो ये पहली मीटिंग में फैसला हुआ था कि हमने अपने जो पार्टी लॉयलिस्ट हैं उनको हमने जो है टिकट देने। आप देख लें कि किसी जो है बहुत यहाँ बहुत ही एक हफीज शेख साहब को एक सानिया नश्तर इतने टिकट दिए हैं, उनमें सिर्फ दो टिकट जो हैं वो दिए गए हैं जो लोग नए हमारे साथ आए हैं या एडवाइजर हैं। उसके अलावा आप पंजाब में देख लें, तमाम हम अपने लोगों को जितने को भी लेके आए हैं वो हमारे डाई हार्ड पार्टी वर्कर हैं। अपने एजाज चौधरी साहब हमारी पार्टी के पुराने शख्स से, अपना न्याजी साहब हमारे सैफुल्ला न्याजी वो पार्टी का जब से पार्टी बनी है उसके साथ हैं, आउन बपी वो पार्टी का है, जरका डॉक्टर जरका पार्टी की हैं, अली जफर एक लीगल ब्रेन है, तो कोई वहां पर हमें क्रिटिसिज्म नहीं हुआ। चले ये तो पंजाब में आप सही कह रहे हैं, लेकिन केपी के आपको नहीं लगता वो डैमेजेस हैं, जो डैमेजिंग है बहुत, क्योंकि सैफुल्ला अबड़ो के मामले पे जो उन्होंने कहा 35 करोड़ का इल्जाम लगाया, गवर्नर हाउस में बैठ के उन्होंने कहा कि टिकट बेचे गए, ये सारे एलिगेशंस भी तो सामने। इस पे मैं कमेंट नहीं कर सकता कि मैं देखें जिस चीज की मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। एलिगेशन तो पाकिस्तान में किसी वक्त भी कब भी जब भी लग जाते हैं, लेकिन पार्टी का मेंबर थे इतना पुराना उसमें, लेकिन मैं उस पे नहीं देखें। फिर आप मुझे कहेंगे अगर मैं वहाँ की बात करूँगा, आप कहेंगे कि पंजाब वाले सिंध में मुरासल कर रहे हैं, फिर आप अगले प्रोग्राम में कहेंगे कि जी देखो गवर्नर साहब तो पंजाब से था, उनको पंजाब की बात करनी चाहिए, उनको खेती जी की बात क्यों कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि नहीं सर साहब, देखिए ये तो पार्टी का मामला है ना, लियाकत जतोई साहब तो आपकी पार्टी के हैं, अगर वो कुछ कह रहे हैं इंशाल्लाह, लियाकत जतोई हमारा दोस्त है, भाई है, और इंशाल्लाह उनको भी पार्टी जो है ऑन बोर्ड लेगी, उनके जो तहफ़ुज़ात हैं रिजर्वेशन हैं यकीनी तौर पर उनको सुना जाएगा। देखिए पार्टी एक फैमिली होती है, एक फैमिली में जहाँ 5-6 फर्द हैं, माँ बाप जो चारों बच्चों से प्यार करते हैं,
कभी वो बच्चे कहते हैं नहीं तुम तो बड़े का ज्यादा ख्याल करते हो, कोई कहता है दूसरे का ज्यादा करते हो, माँ बाप को इल्जाम लग जाता है। तो अच्छा। ये दुनिया है, ये तो इतनी बड़ी पार्टी है, इसमें कुछ लोग नाराज भी होंगे, डिसेंटिंग वॉइसेस भी होंगी, रिजर्वेशंस भी होंगी। ओवरऑल सिचुएशन इज सैटिस्फैक्टरी। अच्छा, ओवरऑल सिचुएशन इज सैटिस्फैक्टरी। अच्छा, अब ये बताएं कि पंजाब की बात करते हैं, पंजाब में हमने देखा जो कि इस वक्त सिचुएशन है, आज ही की खबर है, मैं आपको बता रही हूँ कि कचरा नहीं उठ रहा है, ये वहाँ की सिचुएशन हो गई है। पहले ये शिकायत नहीं थी, जो कि मीगर इशूज़ हैं, उसके पेटी इशूज़ पे भी ख़ास तौर पे बहुत लोग क्वेश्चन मार्क रेज कर रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि पंजाब में जो गुजार हुकूमत है वो सही दुरुस्त और सही सिमत में जा रही है? देखें, मसाइल हैं। पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, इसलिए हमने अपना जो मैनिफेस्टो है उसमें ये लिखा था कि हम जनूबी पंजाब को अलहदा सूबा बनाएंगे, और उस पर काम भी हो रहा है। सेक्रेटरीट अब जो है माशाल्लाह बन गया है, स्टाफ वहाँ पर, डेवोल्यूशन ऑफ पावर का प्रोसेस जो है वो वहाँ पर शुरू हो गया। अच्छा, सफाई का इशू मैं आपको बता दूंगा, लाहौर तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए थे वो बहुत महंगे थे टर्किश गवर्नमेंट को, तो हमारा ख्याल था कि हम उसको आधी कीमत पे जो है लाहौर की सफाई जो है वो कर सकते हैं। तो ये ट्रांजिशनल पीरियड है, और ट्रांजिशनल पीरियड में मुश्किलात जो हैं जो लाहौर के लोग फेस कर रहे हैं वो हैं। लेकिन मैं आपको बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है कि पूरे पाकिस्तान में, ये पंजाब की बात अगर आप करें, मैं समझता हूँ कि पंजाब को दूसरे सूबों से बेहतरी परफॉर्म कर रहा है, वर्स तो नहीं है। बाकी सूबों में भी आप देख लें, गवर्नेंस के इशू कहाँ नहीं है, जो निचले लेवल पे रिश्वत है वो कहाँ नहीं है, महंगाई कहाँ नहीं है, मतलब, और ये जो गंदगी है आप कराची देख लें, आप वहाँ के शहरों को देख लें, वो भी इसी तरह है। तो ये इश्यूज हैं, ये चैलेंजेस हैं, जिन चैलेंजेस को मीट करने के लिए चीफ मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सर्वे साहब, हम ये कहते हैं कि माजी में हम ही मीडिया पे बैठ के पंजाब के हवाले से दूसरे जब सूबों की बात होती थी तो हम उसको बेहतर रेट करते थे, जहाँ डिलीवरेंस और गवर्नेंस की बात होती थी, ख़ासतौर पे कचरे के मामले पे, क्योंकि बाकी आपको पता है सिंध का हाल और दीगर सूबों में जो इस तक सूरत हाल है, ख़ासतौर पे कराची, तो आप खुद चुके बहुत फ्रीक्वेंट विज़िट किया है आपने, आपने देखी है वहाँ की सिचुएशन, आप आके वहाँ पर अपने बड़े फलाही काम भी किए और चीज़ें भी देखी, तो आपने देखा कि कितनी वर्स्ट पोजीशन में है। सो हम जब बात करते थे, कंपेयर करते थे, तो हम पंजाब को अच्छा रेट करते थे, वहां का बताते थे, मिसालें देते थे। आपको जल्दी बुलाएंगे तमाम लोगों को, आप जब आएंगे तो इंशाल्लाह पंजाब के मामले में जो आपकी मीडिया में बैड परसेप्शन है इंशाल्लाह उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। चलें, ठीक है। अच्छा, ये बताएं, आप समझते हैं कि अगर पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात हो जाते हैं इस वक्त, चूंकि बल्दियाती इंतखाबात का भी मामला बड़े ज़ेरे बहस है, तो क्या गुजार हुकूमत की कारकर्दगी पर आवाम उनको वोट देगी, पीटीआई को वोट देगी? देखें, इलेक्शन जो है एक टेस्ट होता है, बहुत मुश्किल वक्त से हम गुजरे हैं, महंगाई है और एजुकेशन के लोगों के मसाइल हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज हैं, लेकिन इंशाल्लाह बल्दियाती इलेक्शन में मेरे अपने ख्याल में कि मुकाबला होगा, ये नहीं कहता कि मुकाबला नहीं होगा, लेकिन इंशाल्लाह बेहतर रिजल्ट आएंगे, आप समझते हैं। अच्छा, हालिया दिनों में हमने जो देखा है, ज़मीनी इंतखाबात पूरे मुल्क के अंदर हुए, उसमें हुकूमत को बड़ी शिकस्त हुई है बहुत सारी जगहों पे, और शिकस्त की वजह आप क्या समझते हैं, बुरी कारकर्दगी है, वोटर आपका जो है वो नाराज़ है, वो उस तरह से डिलीवर नहीं किया, परफॉर्मेंस नहीं रही, वो क्या वजह है? अगेन देखें, पंजाब में दो सीटें थी, एक डस्के की सीट थी, अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर इश्यूज हैं, और क्योंकि इलेक्शन कमीशन में और सुप्रीम कोर्ट में इशू है, और मेरी एक ये आदत है रीदा कि मैं जब इशू किसी अदारे के पास होता है या सुप्रीम कोर्ट में होता है तो मैं उस पर कॉमेंट नहीं करता, इसलिए कि ये सबसे बड़ी ज्यादती इस मुल्क में ये है कि हम हर चीज़ जो है वो मीडिया पे जाके, टेलीविजन पे, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डिस्कस करते हैं, ये नहीं होनी चाहिए, किसी भी जमहूरी मुल्क में ये नहीं होता। जब जो चीज़ें कोर्ट में जाती हैं तो वो कहते हैं सब जुडिस है और इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन हमारा तो मीडिया ट्रायल पहले ही हो जाता है, वहाँ पर ऐसा मीडिया ट्रायल हो जाए तो वो केस ही फारिग कर देते हैं।
तो मैं समझता हूँ कि नहीं, लेकिन चूंकि हम डस्का दस्के को का, हटा देते ना, अच्छा उसके अलावा दस्के बात कर से लेना। दस्के का, अच्छा हाँ अब उसके बाद आप वजीराबाद आ जाए। हाँ वजीराबाद में हम जो था जनरल इलेक्शन 2018 का, उसमें हम 30,000 से ज्यादा वोटों से हारे। अब 5,000 वोटों से हारे, इसका मतलब ये है कि वोट हमारा जो तहरीक इंसाफ का बड़ा है और मुस्लिम लीग का वोट जो है वहां पर कम हुआ। तो ये बताएं कि हम ये देख रहे थे, और अभी रीसेंट ट्वीट किया है मरियम नवाज साहिबा का, उन्होंने फिर ये कहा है कि सफा पलट गया है, और सफा उन्होंने पहले कहा था कि सफा पलटते देर नहीं लगती, और अब कह रही हैं जो रीसेंट ट्वीट किया है कि सफा पलट गया है। तो अब इमरान खान को पता चल रहा है किस तरह से वो अपने इत्तेहादियों के और अपने ही अराकीन के जो है वो पैर भी पड़ रहे हैं, और ये जो इलेक्शन हुआ है जमनी इंतखाबात में भी उन्होंने कहा है कि अब चूंकि सपोर्ट नहीं रही है इस वजह से हर जगह हार रहे हैं। क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि बिलावल साहब भी ये स्टेटमेंट बार बार दे चुके हैं, और कह रहे हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब ने भी स्टेटमेंट दिया कि सेनेट के इंतखाबात में एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो ये तो बहुत अच्छी बात है अगर वो ये कह रहे हैं। देखिए, मेरा तो शुरू से ये मौकफ रहा है कि आप देख लें कि लीबिया की मिसाल ले लें, आप इराक की मिसाल ले लें, आप सीरिया की मिसाल ले लें, जहां जहां भी वो मुल्क तबाह हुए हैं, सबसे पहले उनकी फौज जो है वो कमजोर हुई है। तो पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि हमारी फौजें पाकिस्तान जो हैं वो कई महाज पे लड़ रही है। ये हमारी फौज की जो कंट्रीब्यूशन है दूसरे ममालिक से डिफरेंट है। उन्होंने तो बॉर्डर देखना होता है, बॉर्डर के अलावा कुछ नहीं। हमारे अगर अमन अमान का मसला है तो रेंजर्स काम कर रहे हैं, हमारे वजीरस्तान में दहशतगर्दी का मसला है तो फौज कर रही है, फिर वो अपना अफगानिस्तान का बॉर्डर है वहाँ पर इशूज हैं, इंडिया का बॉर्डर है वहाँ पर इशू हैं, ओवर स्ट्रेच है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक पॉजिटिव, मेरे नजदीक मेरा ओहदे पे रहना इज नॉट इम्पोर्टेंट। आज मैं हूंगा कल नहीं हूँ, लेकिन क्या सफा आज तहरीक इंसाफ है कल नहीं होगी, कल पीपल्स पार्टी आएगी परसों नून आएगी, आते रहेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज हैं, किसी ने हमेशा डिक्टेटरशिप में हुकूमत लंबी होती है तो यहाँ तो जो डिलीवर करेगा उसको मिले। लेकिन अफवाज पाकिस्तान जो है वो किसी एक जमात की फौज नहीं है, वो पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की फौज है। और यूसुफ रजा गलानी साहब का ये बयान कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, ये बहुत पॉजिटिव मैं समझता हूँ सिग्नल है हमारी इस मुल्क की जमहूरियत के लिए और हमारी अफवाज पाकिस्तान। आपको लगता है सफा पलट गया है जो मरियम नवाज साहब बार बार कह रही हैं? मुझे तो सफा पलटा नहीं आ रहा, लेकिन ये तो अभी इलेक्शन है, 2023 में होंगे, वहां पर होना है जो होगा। एक बात मैं आपको मुझे बताएं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत रोज होती थी पेशीन गोइयां कि आज जा रही है कल जा रही है। मुझसे लोग पूछते थे, मैंने कहा 5 साल उन्होंने पूरे करने, उसके बाद 2013 में नून आ गई। रोज पेशीन गोइयां होती थी कि आज जा रहे हैं कल जा रहे हैं परसों जा रहे हैं, लेकिन मैं कहता था 5 साल पूरे करने। ये मेरी अपनी एक सोच थी, उसमें हमारे पार्टी के लोग इस बात पे नाराज भी हो जाते थे क्योंकि मैं ओपनली भी कह देता हूँ, कभी मैं नहीं करता मुख्तार, काफी कोशिश की है मैं पाकिस्तान आके कि जरा चीजों को ना करूं क्योंकि वहां का माहौल और यहाँ का डिफरेंट है, लेकिन कभी कभी सच्ची बात निकल जाती है। सही। तो उस वक्त भी मैं कहता था कि जो मर्जी हम कर लें, धरने दे लें, प्रोटेस्ट कर लें, जुलूस निकाल लें, ये 5 साल पूरे करें। तो अब भी मेरा अपना जो प्रेडिक्शन है, और ये अपोजिशन के इंटरेस्ट में है, मैं आपको बता दूं, जब आप किसी पार्टी को मिड टर्म में घर भेजते हैं तो उसके पास सिंपथी देते हैं, उसको ये मौका देने हैं कि मैं दे तो ये कर देना था, मैंने तो वो कर देना था। तो आप देख लें कि आपने पहले पीपल्स पार्टी को कभी 5 साल नहीं पूरे करने दिए, कभी 2 साल के बाद सैक हो गए, नून को नहीं करने दिए, लेकिन जब उन्होंने 5 साल पूरे किए तो खुद खुद अपनी वो पॉपुलरिटी जो है खो बैठे। तो मैं समझता हूँ कि ये अपोजिशन के भी जो समझदार लोग हैं वो ये कहते हैं कि इनको 5 साल पूरे करने, मैं आपको ये बता, वहां पर भी हमारी तो उनसे मुलाकातें बातें होती रहती है ना, वो कहते हैं कि 5 साल पूरे करने, इसलिए कि 5 साल पूरे करने के बाद हमारे पास बहाना नहीं रहेगा ना, फिर लोग देखेंगे कि हमने, अगर हमने डिलीवर किया, एजुकेशन में किया, हेल्थ में किया, जैसे हेल्थ कार्ड दे रहे हैं बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और मेरा ख्याल है कि
पंजाब में भी तमाम लोगों देखें, सबसे बड़ा लोगों का मसला ये होता है कि जब उनका बच्चा बीमार होता है वो दवाई के पैसे नहीं होते उसके पास, वो ऑपरेशन नहीं करवा सकता। तो अब माशाल्लाह ये बहुत बड़ा स्टेप है कि हेल्थ कार्ड दे दिया, हालांकि बहुत इस पे खर्चा और ये है बड़ा 100 अरब रुपया। लेकिन इस तरह के कार्ड और इस तरह की स्कीम के तो खिलाफ थे वजीर आजम साहब, पहले वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जब और वो जो चीजें चली तो उसको बड़ा क्रिटिसाइज करते आए। आपने किसी कहा कि हेल्थ कार्ड के हम खिलाफ थे? हेल्थ कार्ड की नहीं, मैंने कहा इस तरह के जो इनिशिएटिव्स और प्रोग्राम जैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के खिलाफ वजीर आजम साहब ने कहा। एहसास प्रोग्राम देखें, आपको जो माशरे के कमजोर लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, तो ये रियलाइज हो रहा है कि ये जरूरी है, ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि उन लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको एक वेलफेयर का निजाम जो है दिया जाए ताकि वो अपने घर का चूल्हा जो है चला सके। तो मैं समझता हूँ कि एहसास प्रोग्राम तो सानिया नश्तर हैज डन अ वेरी गुड जॉब टू बी ऑनेस्ट। और आप देख लें कि ये जो अब COVID-19 आया है उसमें जिस मौसर तरीके से 180 अरब रुपया लोगों में तकसीम हुआ है 1.5 करोड़ फैमिली में, ये हिस्टोरिक बात है। और सबसे बड़ी बात यह रीदा कि इसमें किसी ने नहीं देखा कि किस पॉलिटिकल पार्टी से तल्लक है, किस सूबे से तल्लक है, कौन सी वो बरादरी का है, कौन सा उसका रिलीजन है। तमाम लोगों को मेरिट पे उनके घरों में पैसे। यानी आपकी बात ये दुरुस्त है, लेकिन मेरा सवाल ये था कि पीपल्स पार्टी कहती है कि जब ये बेनजीर इनकम सपोर्ट के नाम से हमने शुरू किया और चीजें हुई तो उस वक्त वजीर आजम बहुत क्रिटिसाइज करते थे। मैं अर्ज करूंगी, यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। आज आप अच्छा कि जब हम किसी एक नए आते हैं ना हुकूमत में तो हम पिछले पूरी पॉलिसियों को डिसमिस कर देते हैं, नया अपना करते हैं। लेकिन हमने ये किया है, बहुत से प्रोजेक्ट अरबों रुपए के प्रोजेक्ट नून ने शुरू किए, ठीक है जी, लेकिन हमने किसी को डिसकंटिन्यू नहीं किया, इसलिए कि डिसकंटिन्यू करते हैं तो उससे नुकसान होता है। हालांकि कुछ प्रोजेक्ट डिसकंटिन्यू करने वाले भी थे लेकिन वो भी हमने नहीं किए। तो इसी तरीके से जो अच्छा काम है बेनजीर इनकम सपोर्ट, इट वाज अ गुड इनिशिएटिव, इट वाज अ सक्सेसफुल इनिशिएटिव, वी हैव कंटिन्यूड इट और उसको बिल्ड किया हमने उस पे एहसास प्रोग्राम, उसको और स्ट्रेंथन किया। मतलब मानते हैं कि अच्छा प्रोग्राम था। अच्छा प्रोग्राम हमने कब कहा वो अच्छा प्रोग्राम? अच्छा प्रोग्राम था, दैट वाज अ गुड इनिशिएटिव। ठीक है। अच्छा, तो अभी ख़ास तौर पे अगर हम महंगाई की बात कर लें, चूँकि अब जाहिर सी बात है ये बड़ा इशू है ख़ास तौर पे महंगाई का, और आज की भी रिपोर्ट है और ये रोज़ ही हम देख रहे हैं तकरीबन। अब कल हमने देखा जैसे कि पेट्रोल की कीमतें फिर बढ़ गई। आवाम ये पूछ रहे हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर ने समरी रोक दी वो, लेकिन तजवीज़ दी जा रही है और अभी बीच में जो बढ़ी है पिछले हफ्ते भी जो बढ़ी, तो अब सवाल ये है कि लोग पूछ रहे हैं कि इतनी महंगाई होगी तो कैसे चलेगा चूल्हा घर का। देखिए ये बिल्कुल ये हुकूमत के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है और गरीब आवाम, देखिए मैं आपको बताऊं कि लोग पॉलिटिक्स नहीं करते। गरीब आदमी जो है वो क्या चाहता है, उसकी जो बेसिक नीड्स हैं, शुगर है, घी है, आटा है, सब्जियां हैं, फल हैं, उनको उन प्राइसेस पे मिले कि वो अफोर्ड कर सके। महंगाई हुई है, महंगाई बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। और सबसे बड़ी परेशानी की बात तो ये है कि शुगर अभी तो क्रशिंग हो रही है, अभी तो शुगर बन रही है, इसके बावजूद इस मौसम में भी मतलब शुगर की प्राइस जो बढ़ना है तश्वीशनाक है। लेकिन हुकूमत तो अपना पूरा सप्लाई और डिमांड की बात होती है। देखें हम अब शुगर भी आपको मालूम है कि इम्पोर्ट की, हमने गंदम भी इम्पोर्ट की, तो जो कुछ मुमकिन है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि महंगाई जो है उस पर कंट्रोल करना हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है और सबसे हमारी अव्वलीन तरजीह। आवाम ये कह रहे हैं, सेनेट में करोड़ों रुपए की आवाज़ और गूंजे आ रही हैं और अरकान को बचाने के लिए और सारी चीज़ें चल रही हैं, सो महंगाई रोकने के लिए नहीं कुछ हुकूमत कर सकती? कर रही है हुकूमत जो कुछ पॉसिबल है, लेकिन इट्स वेरी बिग चैलेंज। ठीक है, बहुत शुक्रिया चौधरी सरवर साहब, गवर्नर पंजाब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, और गुफ्तगू हो रही थी सारे मामलात पर जो इस वक्त के ज़ेर बहस हैं। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान रिदा सैफी को दीजिए।